तो ऐसा नहीं कि मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। हाँ सही, देखो थंबनेल में अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद अगर लगे कि आपको अनसब्सक्राइब करना है तभी अनसब्सक्राइब करना। अब देखो गलती यहाँ पर मेरी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब सिर्फ सैमसंग M21 के ऊपर ही वीडियो बना रहा था, और ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर ही मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो बना है। 90% सब्सक्राइबर्स के पास M21 है, और मैं ज़्यादातर वीडियो सैमसंग M21 के ऊपर ही बना रहा था। लेकिन इसी साल अप्रैल मई महीने के स्टार्टिंग में मुझे लगा कि M21 से थोड़ा हट कर थोड़ा ओवरऑल टाइप का या फिर सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर सैमसंग के ऊपर ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सैमसंग M21 जो है ये तो एक फ़ोन है, और एक फ़ोन से एक चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा, 2 से 3 साल, उसके बाद तो आप लोग यूज़र हो, आप लोग तो फ़ोन चेंज करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा सैमसंग टॉपिक के ऊपर जाऊं, और उसके बाद सैमसंग टॉपिक पर जाने के बाद भी मुझे व्यूज़ आ रहा था, मतलब आप लोग देख रहे थे वीडियोस। बट अभी के टाइम पर 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि सैमसंग M21 हो या फिर सैमसंग का ओवरऑल टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पर व्यूज़ नहीं आ रहा, आप लोग नहीं देख रहे हो। और ओवरऑल टॉपिक तो मैं यहां पर बोल भी नहीं रहा, क्योंकि ओवरऑल टॉपिक पर पहले थोड़ा बहुत व्यू आ जाता था, मतलब आप लोग देखते थे, लेकिन अभी के टाइम पर अगर मैं ओवरऑल टॉपिक दूँ, ओवरऑल इन द सेंस जो नॉर्मल यूट्यूबर्स देते हैं, कोई भी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक हो या फिर एंड्रॉयड रिलेटेड टॉपिक, तो ऐसे टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो दूँ तो अभी 500-600 से ज़्यादा व्यू नहीं आता। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये व्यू क्या बोल रहा है, तो देखो भाई एक चैनल को चलाने के लिए ना इन्वेस्टमेंट का भी ज़रूरत है, और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अभी आप लोग सोचोगे कि मैं ये सब कैसे खरीदा, तो ये यूट्यूब के पैसे से ही मैंने इन सब चीज़ों को खरीदा है। तो यूट्यूब से इनकम करने के लिए व्यूज़ चाहिए होता है, और अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो इनकम कैसे आएगा, और इनकम नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा, और इसी वजह से मतलब अल्टीमेटली जो मेरा मोटिवेशन है वो कमता जाएगा और चैनल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और यही सच बात है कि कोई चीज़ करने के लिए इनकम चाहिए होता है, वो मोटिवेशन के लिए भी चाहिए होता है, और कुछ मतलब ये सब जो मैंने दिखाया कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए भी चाहिए होता है। तो व्यूज़ नहीं आ रहा, और इसी वजह से इनकम भी मतलब पहले से कुछ बढ़ नहीं रहा, जिससे मैंने सोचा था कि इनकम जब ज़्यादा होगा तब मैं फ़ोन खरीदूंगा, उसका अनबॉक्सिंग करूंगा, बहुत सारा कुछ मैंने सोच रखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी। अब देखो भाई बात दिल में मत लेना, यहाँ पर गलती तो मेरी है कि मैंने सिर्फ सैमसंग M21 से स्टार्ट किया था, लेकिन जो भी आप लोग M21 यूज़ कर रहे हो और सिर्फ M21 टॉपिक पर ही वीडियो देखना चाहते हो, मतलब उसके अलावा M21 के अलावा अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो मैं डालूँ तो नहीं देखना चाहते, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि M21 टॉपिक पर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा व्यू आ जाता है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यू आ जाता है, लेकिन ओवरऑल सैमसंग टॉपिक या फिर ओवरऑल कोई टेक टॉपिक के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1K इतना ही व्यू आता है। और YouTube का एक एल्गोरिदम है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स ही आपका वीडियो ना देखे तो YouTube उसको पुश नहीं करता, मतलब नए लोगों के पास उसको नहीं दिखाता। तो मेरा सब्सक्राइबर अभी 16,000 से ऊपर है, और अगर मैं कोई ऐसा वीडियो डालता हूँ जो ओवरऑल टाइप का है और उसमें अगर 600 या फिर मैक्सिमम मान लूँ 1.6 के व्यू आता है, तो मतलब 16,000 सब्सक्राइबर में से 1.6 के व्यू, तो YouTube को लगेगा कि इस वीडियो में कोई दम ही नहीं है, और इसी वजह से उस वीडियो को कोई नए व्यूअर के पास YouTube सजेस्ट ही नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या कि उस मतलब चैनल का रीच भी कम जाएगा, वीडियो का रीच भी कम जाएगा, जो अभी हो रहा है, अभी के टाइम पर हो रहा है, 2-3 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों की वजह से ही हूँ, जितने 16K सब्सक्राइबर जितना भी मैंने गेन किया है आप लोगों की वजह से ही, आप लोग ही इस फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि एक मोबाइल फ़ोन से एक चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए जो लोग आप M21 यूज़ कर रहे हो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग हो सके तो मेरा वीडियोज़ देखो, अगर अच्छा लगे तो, मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और वीडियोज़ अच्छा ना लगे सिर्फ M21 ही देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। और बाकी जितने भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, जो ओवरऑल टाइप का भी देखते हैं, कभी कभी सैमसंग का भी देखते हैं, कभी कभी ओवरऑल टाइप, मतलब लगभग सभी वीडियोस कभी ना कभी देखते हैं, उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर रहो, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाया करूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँगा, लेकिन जो लोग सिर्फ M21 देखना चाहते हैं वो लोग अनसब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन पर बताओ अनसब्सक्राइब करने से पहले कि आपको मेरा जो ओवरऑल टाइप का कंटेंट है वो क्यों नहीं पसंद आता था या फिर क्यों नहीं देखते थे। और एक बात, अगर आप ओनली ओवरऑल सैमसंग रिलेटेड टॉपिक देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल पर रहो, क्योंकि ओवरऑल सैमसंग टॉपिक तो मैं दे ही रहा हूँ अभी, तो ऐसा चलता भी रहेगा आगे भी। और हो सकता है कि जितना भी सारा कुछ मैंने बताया अभी तक वो सब सुनने के बाद आप लोग गुस्सा हो जाओ और गुस्से से अनसब्सक्राइब कर दो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवरऑल सब कुछ देखते हैं लेकिन मेरे बात सुनकर गुस्सा होकर सब्सक्राइब कर देते हैं। तो अब देखो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो मैं अभी ले रहा हूँ, तो
इससे नुकसान मेरा ही है, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये स्टेप लेना चाहिए क्योंकि चैनल को आगे ले जाना है। अगर मैं ऐसे ही मतलब वीडियो बनाऊंगा, और सब्सक्राइबर तो हर दिन बढ़ ही रहा है, अभी तक 16K सब्सक्राइबर हो चुका है, लेकिन व्यूज़ नहीं अगर बढ़ेगा वो वहीं पर रह जाएगा, 2K 3K पर ही रह जाएगा, तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। और इससे मेरा तो नुकसान होगा ही, और जो व्यूअर्स जेन्युइन व्यूअर्स हैं, जो लोग लगभग सभी वीडियोज़ देखते हैं, उन लोगों का भी नुकसान है कि वहाँ पर व्यूज़ नहीं आ रहा, तो उससे इनकम नहीं जनरेट हो रहा, और इसी वजह से मैं कोई मतलब नया चीज़ ट्राई नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि नया गैजेट्स या फिर नया फ़ोन कुछ भी ट्राई नहीं कर पाऊँगा। और मैंने कुछ दिन पहले एक पोल भी रखा था जहाँ पर मैंने पूछा था कि आप इस चैनल पर किस वजह से हो, कौन से वीडियोज़ देखते हो, तो वहाँ पर सैमसंग ऑप्शन था, सैमसंग M21 भी ऑप्शन था, तो मुझे वहाँ पर सैमसंग M21 पर वोट ज़्यादा देखने को मिला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, और यही नॉर्मल है, मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था। और उस पोल के बाद मुझे लगा कि ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए जिससे हमारे चैनल का थोड़ा सा नुकसान तो अभी के लिए है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए है, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आगे अगर हम लोग कोई माइलस्टोन कंप्लीट करें तो एक साथ करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और एक बात है, मुझे कभी कभी ऐसा कुछ कमेंट आता है, कोई गुस्से में बोलता है कि तुम M21 के ऊपर ही क्यों सिर्फ वीडियो बना रहे हो, मतलब कोई दूसरे ओवरऑल टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो ऐसा कोई गुस्से में बोलता है, कोई नॉर्मली बोलता है, तो वो सब कमेंट देखने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ओवरऑल टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और ये जो स्टेप मैं ले रहा हूँ इससे नुकसान तो मेरा ही है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ, सजेस्ट करो कि मुझे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करो इस वीडियो को। आमतौर पर मैं शेयर की बात नहीं करता, बट इस वीडियो को शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई नए टॉपिक के साथ, टेक टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।